सारा जोशी के व्लॉग्स कौन नहीं देखता, और आज तो उनका बर्थडे भी है। हम लोग अपने चैनल में हमेशा से कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो मैंने सोचा चलो इस बार भी कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। सौरभ भाई ने बनाया है 1000 से भी ज्यादा व्लॉग्स, तो क्या पूरे के पूरे 1000 से भी ज्यादा व्लॉग्स 24 घंटे के अंदर देखना पॉसिबल है या नहीं? तो भाई की वीडियो की लेंथ है 8 से 12 मिनट। अगर हम लोग एवरेज मान लें तो एक वीडियो इनका 10 मिनट का है, और अगर 10,000 वीडियोस का हम लोग मिनट निकाल लें तो हो जाएगा करीब 10,000 मिनट, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 24 घंटे में हो जाएंगे हमारे पास 1440 मिनट। तो अगर हम लोग 10,000 को 1440 से डिवाइड करें तो आएगा 8.7। इसका मतलब है कि अगर हम लोग लगातार 9 डिवाइसेस से एक एक वीडियो देखें 24 घंटे तक, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग उनके 1000 से ज़्यादा व्लॉग्स 24 घंटे में देख पाएं। और मुझे लगता है ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा कि 1000 वीडियोस किसी के प्ले किए हों 24 घंटे के अंदर, और मुझे लगता है ये एक काफ़ी मस्त बर्थडे सरप्राइज हो जाएगा उनके लिए, जो कि मैं ट्राई कर सकता हूँ एक चैलेंज के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ऐसा करने के लिए हमें चाहिए होगा एक हाई स्पीड इंटरनेट जिससे कि 9 वीडियो एक साथ बिना रुकावट के चल पाए, और यहाँ पे जो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है वो है 60 Mbps का। तो जब मैंने चेक किया मेरा 60 Mbps का प्लान एक्चुअल में केवल 8 से 10 Mbps की स्पीड दे रहा था, और जब एक वीडियो प्ले करो तो वो एक वीडियो पर सेकंड 1 MB का डाटा कंज्यूम कर रही थी, यानी कि यहाँ पे मैं मैक्स 8 से 10 वीडियो ही एक साथ बिना रुकावट के ही प्ले कर पाऊंगा, लेकिन बीच में इंटरनेट बस ना जाए। बाकी क्या मुझे लगता है इतनी स्पीड काफी रहेगी हमारे इस चैलेंज के लिए। दोस्तों हम लोग चाहते हैं वीडियो सौरभ भाई तक जाए, लेकिन इस समय प्रॉब्लम आ रही है, अपनी वीडियोस अपने ही भाई लोग तक नहीं जा रही, तो नए लोगों तक कैसे जाए? ऐसा लगा कि हमारा चैनल शैडो बैन हो गया है, जैसे कि बीच बॉय शुभ भाई के साथ हुआ, हो जाता है ऐसा। लेकिन आप लोग इस मामले में थोड़ी हेल्प कर दोस्तों, शायद काम बन जाए। आपको क्या करना है, अगर आप लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे देखें तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार वापस से अनसब्सक्राइब करो और फिर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वापस से दबा दो, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम आ रही है अपनी वीडियोस अपने भाई लोग तक नहीं जा रही है वो वापस से जाने लगे। ऐसा करने पर कहने के थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा चैनल अपना, और हाँ वीडियो को सौरभ भाई तक पहुंचाने में आप भी मदद कर सकते हैं। सिंपली इंस्टाग्राम में सौरभ भाई को टैग करो वीडियो के साथ, मुझे भी टैग करना साथ में, फिर देखते हैं भाई तक वीडियो जाएगा कि नहीं। अगर जाएगा तो भाई इसमें मज़ा आ जाएगा, भाई का कमेंट आ जाए तो वीडियो सक्सेसफुल, देखते हैं भाई कमेंट आएगा कि नहीं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो यहाँ पे हमारा सारा सेटअप बनके तैयार है, कुछ ऑन है कुछ ऑन करना बाकी है, और सभी में एक ही आईडी लॉगिन है जो कि है एफोर्डेबल इन्फिनिटी की, और अभी मैं पहली बार इस आईडी से चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, और भले सब में एक ही आईडी है लेकिन सब में अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्ले कर रहे हैं भाई का पहला वीडियो इस वाले कंप्यूटर में, जो कि है MS धोनी वाला, और इसमें तो काफ़ी नीचे जाना होगा, तो वो इसमें पहला वीडियो प्ले था तो यहाँ पे हल्की रेड लाइन आ चुकी है, और इसमें हम लोग प्ले कर रहे हैं दूसरा वीडियो, और इस तरीके से इसमें तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और इसमें नवा वीडियो, तो एक टाइम पे हम लोग 9 वीडियो चला के रखने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे लगभग हर एक कंप्यूटर में 100 भाई का एक एक व्लॉग चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं है, मेरे गिनने में भी नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहले तो आवाज़ धीमी करेंगे, उसके बाद बंद हो गया अगला लगाओ। तो यहाँ पे हमें फीचर का पता लगा जिसकी वजह से आज काम थोड़ा आसान हो गया, वो फीचर YouTube का है। YouTube का फीचर ये है कि हम लोग एक कंप्यूटर में कई सारी वीडियो क्यू पे लगा सकते हैं, कि लाइन पे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 वीडियो क्यू पे लगा रखे हैं, उसके आगे के 14 वीडियो यहाँ पे लगे हैं, उसके आगे के 10 वीडियो यहाँ पे लगे हैं, और उसके आगे के 12 वीडियो यहाँ पे लगे हैं, और जो प्ले होते जाएंगे उसके बाद की वीडियो मैं मोबाइल में प्ले करता जाऊँगा। भाई मेरा तो काम चल रहा है, किसी भी कंप्यूटर में जाओ कोई भी व्लॉग देखना बस उसकी वॉल्यूम बढ़ा दो
और ये व्लॉग देखो, मजा आ रहा है। लेकिन इतने सारी वीडियोस की वजह से किसी का काम रुका हुआ है, जो कि है वीडियो एडिटिंग का। यहाँ पे कुछ डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम तो दोबारा ट्राई करेंगे और काम हम पे। लेकिन इसने मेरा काम बिगाड़ दिया। ये पीसी बंद हो गया और लैपटॉप चालू है। मेहनत पे पानी फेर रहे लाइट। अब मजा यार दोबारा गई, फिर आ गई। अबे यार ये क्या नौटंकी है, ऐसे कैसे काम चलेगा। जा रही आ रही है। 3 बजे स्टार्ट किया था, 5:30 हो गए हैं। अब थोड़ा रेस्ट लेने का मन है, ब्रेक टाइम। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस प्ले किए, जितने भी क्यू थे, इसके क्यू ख़त्म, उसका भी क्यू ख़त्म हो गया। अभी इसका क्यू बचा है, चेक करते हैं। अगर बीच में कोई प्ले नहीं होगा उसे वापस प्ले करना बचा है। यहाँ बनेगा हमारा न्यू घर। अभी इस वाले वीडियो पे हैं हम लोग, बाकी सारे के सारे बंद हैं, क्योंकि इतनी सारी स्क्रीन एक साथ मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी मैंने थोड़ा रेस्ट लेने के लिए एक ही स्क्रीन पे चला रहा हूँ। सब कुछ खराब है आज, बार बार बंद हो रहा है। वॉइस ओवर यहाँ पे करना है अलग से वॉइस ओवर। कि भाई सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बार बार लाइट आने जाने की वजह से हमें बीच में प्रोग्राम लौटना पड़ा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यों चिल्ला रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हें, आज तो कम से कम काम करो। अब ये हद पार हो गया है, लाइट आ रही जा रही, दिमाग खराब हो गया एकदम। ये सब देख के लगा कि पता नहीं भाई चैलेंज कैसे कंप्लीट होगा, इनका पिपियाना नहीं बंद हो रहा है। तो 9 बजने वाले हैं, हम लोग सवेरे 3 बजे से जुटे हैं, लगातार प्ले किए जा रहे, लेकिन अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं वीडियोस और भाई के। लेकिन हमें कंप्लीट करना है, अभी लगी बहुत तेज भूख, सोच लो खाना खा लेते हैं। तो हमें खाने में मिला छोला, मूली, रोटी और पूड़ी। मोबाइल में नए वीडियोस प्ले करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सारे मोबाइल फ़ोन हटा दिया। और मोबाइल के रिप्लेसमेंट में मैंने एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल टैब ओपन कर लिए, जिसमें काम थोड़ा और भी आसान हो गया। रात के 10 बज गए हैं और लगातार काम जारी है। बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन यार जागना है, जागते रहना है, 1000 वीडियो कम्प्लीट करना है। एज यू कैन सी रात के पूरा अंधेरा हो चुका है, रात के बज रहे हैं यहाँ पे 12:30 और देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं। दोपहर के 3 बजे से लगातार वीडियो शूट कर रहे हैं वो सौरभ जोशी के बर्थडे के लिए, और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। दरवाजा खोलते हैं, बूम, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो गाना वाना चला के बैठे हैं। ये देखो कैमरा भी बंद है। हेलो सर जी, वीडियो नहीं शूट करनी क्या, चैलेंज लिया है आपने। रात के 12:30 बज गए, कब से सो रहे हैं। आप तो पूरा बंद बंद करके सोए हो। अच्छा इतना एडवांस तो नहीं है। कब से सो रहे हो आप। अभी हम लोग पहुंचे हैं, हाँ काफी हो गए हैं, कुछ छूटे हैं बीच बीच में कुछ छूट गए। अरे यार छूट गए। ये क्या कर दिया, अभी इसके आगे के प्ले करने बचे हैं। 15 घंटे बचे हैं आपके पास, चलो जो चाहते हैं।
अरे अरे ये ये भी उठ, अरे यार यहाँ भी सो जा। रात के 3 बज गए हैं और मैं पूरे 12 घंटे से लगा हुआ हूँ। हालत पूरी खराब हो चुकी है, अभी भी बहुत सारी वीडियो प्ले करने को बची हैं, देखने को बची हैं। देखते हैं कब तक खत्म हो पाएंगी। अभी हमारे पास 12 घंटे का समय है, लेकिन थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गुड मॉर्निंग11 बज गए, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। बहुत सारे वीडियो छूटे पड़े हैं, बीच बीच में मिस हो गए हैं, और ये पीसी भी यहाँ से जा रहा है क्योंकि मैंने उठा के लाया था, मेरा पीसी नहीं है। ये देखो बहुत सारे छोटे पड़े हैं, अभी मुझे सिर्फ अपने पीसी और लैपटॉप से काम चलाना होगा। 1:47 हो गए हैं, यहाँ पे नेट चला गया है, भगवान, एकदम लास्ट मोमेंट पे। कैम पे मैं चेक कर रहा था भाई कौन सी वीडियो छूट गई है, उन्हें देख रहा था और फिर अचानक नेट चला गया। वाह, फाइनली 2:26 और इधर देखो भाई, ऐसे नहीं दिखाना, चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। फाइनली हो ही गया 1000 वीडियो को भी 24 घंटे के अंदर। तो भाई आप लोग को जो मैंने शॉर्ट में बताया वो प्लीज जरूर से फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ भाई को मेंशन जरूर से करना स्टोरी में, मैं आप सबके स्टोरी भी मेंशन करूंगा अपने इंस्टा पे, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन दी है अपने इंस्टाग्राम पेज की। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही।